हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आदरणीय स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में अपन एनसीईआरटी की बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा बेटा कि आज अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी का जो डिविजन ब्रायोफाइटा है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भाई, जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब डिविजन्स होते हैं। और इन डिविजन में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा। ध्यान दीजिएगा बेटा कि अपन बात करते हैं थोड़ा सा जनरल बात इसके बारे में कि जो डिविजन ब्रायोफाइटा है। बिल्कुल, ब्रायोफाइटा समझ रखते हैं। जो ब्रायोफाइटा शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, और ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और ध्यान दीजिए बेटा कि जो किंगडम ब्रायोफाइटा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप है, प्रथम स्थलीय पादप है। बिल्कुल, और ये आप जानते हैं कि जलीय प्लांट से इनकी उत्पत्ति हुई। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, कुछ में एयर कैनाल का पाया जाना इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, और जल से ही निकल के ये स्थल पे आए। बिल्कुल, तो बड़ा आप समझ सकते हैं कि देखो आपने इससे पहले थैलोफाइटा पढ़ा था, और थैलोफाइटा का जो मेन ग्रुप होता है सब डिवीजन वो आपका होता है एल्गी। बिल्कुल, और एल्गी थैलोइड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि एल्गी प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से एक्वाटिक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा देखिएगा कि भाई एल्गी, अगर अपन एल्गी और ब्रायोफाइटा का कंपेरिजन करें तो एल्गी से कौन से एडवांस कैरेक्टर ब्रायोफाइटा ने असेंबल किए, ब्रायोफाइटा के अंदर वो कैरेक्टर आए जो एल्गी में नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा बेटा कि अपन बात करते हैं कि एल्गी मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर थैलोइड है, बट एल्गी के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। बट ब्रायोफाइटा फर्स्ट प्लांट ग्रुप है जहां टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू ओनली पैरेन्काइमा होता है, लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइटा में। इसके अलावा आपने बात की कि जो एल्गी होती है तो एल्गी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हैप्लोइड गैमेट का फ्यूजन होता है, तो जायगोट फॉर्म होता है। बट जायगोट के बाद जायगोट फर्दर आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो सकता, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। हाँ, बिल्कुल। तो एम्ब्रियो स्टेज एल्गी में क्या होती है, एब्सेंट होती है, बट फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा के अंदर क्या आई, एम्ब्रियो स्टेज है। मतलब एम्ब्रियो का बनना शुरू ब्रायोफाइटा से हुआ है, ये पहला एम्ब्रियोफाइट प्लांट हो गया, एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा। हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। बिल्कुल, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, एक कोशिकीय जैकेट भी, यानी बेटा उनके ऊपर बंद आवरण नहीं होता, स्टेराइल जैकेट नहीं होती है। यस, तो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं, और आप समझ सकते हैं इस फॉर्म में ये सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। देन फर्स्ट टाइम आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मल्टी सेलुलर जैकेटेड जो सेक्स ऑर्गन आए, मल्टी सेलुलर जैकेटेड। मतलब ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर है, जिनके चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, बंदे जैकेट पाई जाती है, बिल्कुल मल्टी सेलुलर जैकेट है। बिल्कुल, तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो ब्रायोफाइटा के अंदर, बिल्कुल ये एडवांस कैरेक्टर जो एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइटा के अंदर फर्स्ट टाइम पे। बिल्कुल, अब बात अपनी ये आती है कि भाई ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है, लेकिन ब्रायोफाइटा में अपन एक बात करेंगे बेटा कि ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। मतलब इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम इसमें एब्सेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम की शुरुआत सबसे पहले टेरिडोफाइटा से होती है। बिल्कुल, जो वैस्कुलर टिश्यूज है, कंडक्टिंग टिश्यूज जो एब्सेंट होते हैं नॉन वैस्कुलर टिश्यूज, और आप समझ सकते हैं भाई वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो नॉन वैस्कुलर हो गए, क्रिप्टोगैमस। यानी इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है, बिल्कुल वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हिडन फॉर्म होते हैं, छुपे होते हैं। तो क्रिप्टोगैमस यानी क्रिप्टिक मतलब छुपा होना, तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट। बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का अपन बात करेंगे, जब अपन लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लोइड होता है, और हैप्लोइड प्लांट बॉडी है, और फिर वो माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्लांट बॉडी की जो स्ट्रक्चर हैप्लोइड है और माइटोसिस के थ्रू अगर गैमेट प्रोड्यूस करें तो प्लांट में उस स्टेज को अपन कहते हैं गैमेटोफाइटिक। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। अब ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है, तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी अपने यहां क्लियर कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफाइटिक हैप्लोइड जो डोमिनेंट है। और फिर आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो दो ग्रुप होंगे, लोअर ब्रायोफाइट लीवरवर्ट और हायर ब्रायोफाइट मोसेस, दो ग्रुप एंशिएंट बना रखे। वैसे आप समझ सकते हैं कि लीवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है और मोसेस है।
तो वहां लोअर ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी होगा वो डिफरेंशिएट होगा थैलस और राइजोइड्स। राइजोइड थैलस और राइजोइड, राइजोइड मतलब रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो थैलस और राइजोइड्स इनमें आप जानते हैं कि इनका प्लांट बॉडी ट्रू रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होगा। और थैलस और राइजोइड में है जिनका प्लोइडी क्या होगा, हैप्लोइड होंगे। और जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं, मोसेज होते हैं, उनका भी प्लांट बॉडी स्टेम लाइक लीफ लाइक और राइजोइड्स, स्टेम लाइक लीफ लाइक और राइजोइड्स, बिल्कुल ये अपन बातें करेंगे। क्लियर, इनकी भी प्लोइडी क्या है, एन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि भी इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये फुली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में भी डिफरेंशिएट नहीं है और वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। और रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की, वाटर, विदाउट वाटर इनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब आप समझ सकते हैं कि फिर जैसे ही मैच्योर होगा, वेजिटेटिव स्टेज मैच्योर होगी, तो सीधे इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन आते हैं, बिल्कुल, और इनपे मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन आते हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका होता है एंथ्रिडियम पूधानी, एंथ्रिडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका होता है आर्की गोनिया, आर्की गोनिया, आर्की गोनिया, आर्की गोनिया। आप समझ सकते हैं कि ये एंथ्रिडियम जो एंथ्रिडियोफोर से अटैच होता है थैलस से, और ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जैकेट लेयर होती है, जैकेट लेयर, यहाँ आप समझ सकते हैं कि एंड्रोसाइट सेल्स होती है, हैप्लोइड एंड्रोसाइट सेल्स, और एंड्रोसाइट सेल में माइटोसिस ही होता है, और माइटोसिस के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि इसके जो मेल गैमेट है, जो ब्रायोफाइट के मेल गैमेट एंथ्रेजोइड, और फाइनली वो मोर्फोजेनेसिस चेंज होकर ये कोमा सैक बाइफ्लेजिलेटेड जो इसका मेल गैमेट होगा। मेल गैमेट में फ्लैजिला पाए जाते हैं, फिर वाटर के अंदर ये मेल गैमेट जो है वो तैरते हुए बिल्कुल फीमेल गैमेट के पास, उसको अपन बोलेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, बिल्कुल। और जैसे इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लास्क सैक आर्किगोनिया है, और बिल्कुल सबसे ज्यादा डेवलप आर्किगोनिया, जिसमें आप समझ सकते हैं यहाँ कवर लीड सेल है, और आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ कैनाल सेल, यहाँ अपन बात करते हैं कि पहले इसके ऊपर यहाँ जैकेट लेयर होगा, बंदे आवरण जैकेट लेयर, ऐसे जैकेट लेयर होगा। तो थोड़ा सा अपन बिल्कुल शॉर्ट में बातें कर रहे हैं, यहाँ स्टाल्क होगा, ये जैकेट लेयर होगा, जैकेट लेयर, और यहाँ आप समझ सकते हैं कवर लीड सेल होगी, ये नेक कैनाल सेल्स एनसीसी, इसको बोलते हैं एनसीसी अपन बोलते हैं, यहाँ वेंट्रल कैनाल सेल, और यहाँ आपका होगा एग सेल, क्या होगा एग सेल, फीमेल गैमेट। हाँ, तो एंथ्रिडियोफोर से अटैच होगा थैलस से, और आर्किगोनिया आर्किगोनिफोर से, जैसे वहां मार्केंसिया का आपको थैलस दिखा रखा, तो मेल थैलस से एंथ्रिडियोफोर से ऊपर एंथ्रिडिया बता रखा है, आर्किगोनिफोर से वहां पर क्या बता रखा है आर्किगोनिया। खैर, अपन कुछ बातें आगे और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, और नेक्स्ट में टेरिडोफाइटा भी अपन आगे जो आपको पीपीटी या नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आपको शो करेंगे। तो अपन क्वेश्चंस पे अपन जाते हैं, उसके साथ साथ अपन कुछ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, बिल्कुल। तो यहाँ एल्गी और ब्रायोफाइटा में मेन डिफरेंस पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा शैवाल और ब्रायोफाइटा में कौन सा मुख्य अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी फाउंड इन वाटर एंड ब्रायोफाइटा फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, जनरली ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन कुछ एल्गी डैम सॉइल में नम मिट्टी में भी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन मेन डिफरेंस नहीं है। फिर देखिएगा, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए एंड ब्रायोफाइट्स हैव बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, तो हाँ जनरली बात सही है कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इन सब में क्लोरोफिल ए और बी होता है, बिल्कुल, और एल्गी में क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, जो भी ऑक्सी फोटोसिंथेसिस करते हैं सब में यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी होता है, उसमें क्लोरोफिल बी भी होता है, भी होता है, तो फिर ये मेन डिफरेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस तो है लेकिन मेन डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी हो सकता है। फिर देखिएगा, एल्गी हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड ब्रायोफाइट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल, तो आप जानते हैं, और कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट, Yes. आप समझ सकते हैं कि स्टेराइल जैकेट, तो शैवाल में एक कोशिकीय प्रजनन होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में बहुकोशिकीय प्रजनन और बंदे आवरण, अभी अपने बताया कि जैकेट लेयर होती है, तो यहाँ अच्छा आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, फोर हो गया, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो थोड़ा सा आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर भाई ए और बी, तो इसमें देखो ज्यादा करेक्ट सी है, और फिर सी के साथ में जो कॉम्बिनेशन बी का दे रखा है, बिल्कुल बी उतना नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पर मेन डिफरेंस पूछा है, मेन डिफरेंस कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है वो मेन डिफरेंस, बिल्कुल, आंसर क्या हो गया, फोर, फोर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड व्हिच आर रिलेटेड विद फिनेरिया प्लांट, फिनेरिया मतलब यहाँ पे किसकी बात हो गई,
जो मोस है, मोस की बात यहाँ पे होगी। तूने कहा बेटा मोस वगैरह जो है यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है, उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो भी है। फिर वो जो वहां पर गैमेटोफाइटिक फेज है वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो जो वहां पर गैमेट है आपस में मिलकर जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जायगोट जो है वो स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट सेल है, फिर उस जायगोट में माइटोसिस होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कुर्सिटा कैप्सूल का, मतलब स्पोरोफाइटिक। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो सीटा है अपन कह सकते हैं वो कौन सा हो गया, ये यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज का हो गया, बिल्कुल। उसके बाद में राइजोइड जो है वो आपके हो गया गैमेटोफाइटिक फेज का, ठीक है। और स्केली लीव्स ये भी यहाँ पे किसका हो गया, गैमेटोफाइटिक फेज का। कैप्सूल जो है फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट का हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज का है। फुट यहाँ पर किसका है, स्पोरोफाइटिक फेज का है। आर्किगोनियम जैसे कि हमने बात की थी ये गैमेटोफाइटिक फेज में होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। स्पोर मदर सेल ये होता है कैप्सूल के अंदर, और जो स्पोर मदर सेल है ये ट्वन होती है, तो अपन कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक फेज की लास्ट सेल है। फिर वो स्पोर मदर सेल मियोसिस करके, जिसको मैं कह सकता हूँ स्पोरिक मियोसिस करके, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो स्पोर मदर सेल यहाँ पे किस में आ गई, अपन कह सकते हैं स्पोरोफाइट में हो गई। स्पोर, स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन करता है, तो स्पोर यहाँ पे किस में आ गया, अपन कह सकते हैं हैप्लोइड, गैमेटोफाइट। इसी बात अपने डिस्कस किया कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर किनको कहते हैं, जो हैप्लोइड होती है, और माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस, गैमेट का फॉर्मेशन, जब तक गैमेट का फ्यूजन नहीं हो तब तक वो हैप्लोइड ही रहेंगी, बिल्कुल। जैसे मेन प्लांट बॉडी थैलस राइजोइड है, फिर सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडी आर्किगोनिया है, फिर अंदर एंथ्रेजोइड और एग सेल गैमेट्स हैं, जब तक गैमेट फ्यूज नहीं हो जाते हैं तब तक हैप्लोइड है, गैमेट तक तो गैमेटोफाइट है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे फ्यूज होकर जायगोट से फिर आप जानते हैं कि जो डेवलप होता है फूड सीटा कैप्सूल, और जब स्पोर मदर सेल तक जो लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक है टू एन होना है, तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक है, और अल्टरनेट क्या है, स्पोरोफिटिक है, फिर वापस क्या जाएगी, गैमेटोफिटिक, डोमिनेंट क्या है वहां, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है, और स्पोरोफिटिक डिपेंड है किस पर, गैमेटोफाइट के, बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ वैसे भी आपने जो बिल्कुल करेक्ट किया, अपन बात करते हैं कि ये 2n है, ये 2n हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया, ये 2n है, ये भी 2n है, और ये n है, और आप समझ सकते हैं ये 2n है और ये n है, क्लियर। अब इसकी मैचिंग कर लेंगे, मैचिंग कर लेना आप आराम से, बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि देखिएगा कि जो गैमेटोफिटिक है उससे रिलेट हो गए सेकेंड, सेकेंड आपका हो गया, थर्ड आपका हो गया, और उसके बाद सिक्स और सेवन है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ए में बिल्कुल सेकेंड, आप समझ सकते हैं कि सेकेंड हो गया, थर्ड और सिक्स और सेवन, आंसर विल बी फोर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्रायोफाइट्स डू नॉट रिजेंबल विद एल्गी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, किस लक्षण में ब्रायोफाइट शैवाल एक दूसरे के साथ समानता नहीं दर्शाती, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैलोइड प्लांट बॉडी यहाँ पर जो है अपन कह सकते हैं दोनों की प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है, लोअर ब्रायोफाइट के लीवरवर्ड होते हैं, बिल्कुल, थैलस और राइजोइड, हालांकि राइजोइड एल्गी में नहीं होते लेकिन थैलोइड बॉडी है, सिंपल थैलोइड जानते हैं कि एल्गी में सिंपल थैलोइड होगा, बिल्कुल, लेकिन ब्रायोफाइटा का जो थैलस होगा, जैसे मार्केन से बात करें तो आप जानते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और डोर्सी वेंट्रल होगा, डोर्सी वेंट्रल, राइजोइड्स उसमें पाए जाएंगे और राइजोइड्स उसके अंदर प्रेजेंट यूनिसेलुलर, फिर भी अपन कह सकते हैं कि इसमें रिसेंबल हो सकता है, बिल्कुल। नीड ऑफ वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल दोनों को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जरूरत है, दोनों में वाटर की जरूरत है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ देखिएगा कि भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो दोनों में एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू तो, बिल्कुल। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में आइसोगेमी भी हो सकती है, एनाइसोगेमी भी और ऊगेमी भी हो सकती है, और वहां फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनेगा, लेकिन जो ब्रायोफाइट है वहां ओनली उगेमस, ओनली उगेमी और एम्ब्रियो भी बनेगा, बिल्कुल। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, स्फेग्नम एंड अदर ब्रायोफाइट्स यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक स्मॉल प्लांट्स एंड फ्लावर्स बिकॉज, तो स्फेग्नम जो है बिल्कुल वो मोस में हो गया, और मोस यहाँ पे जो स्फेग्नम है वो एक हाइड्रोक्लोराइड है, वो वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, जिससे लंबे टाइम तक वो नमी प्रदान कर देगा, लंबे टाइम तक वो मोस से प्रोवाइड कर देगा, तो दे हैव मेडिसिनल वैल्यू, नहीं मेडिसिनल वैल्यू होने से यहाँ पे आप कह सकते हो इसका हम यूज नहीं करते पैकेजिंग के लिए, दे शो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बिल्कुल इनका है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब इनकी वजह से हम यूज करते हैं इनका पैकेजिंग करने में, दे हैव बिल्कुल मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देन दे कैन प्रोवाइड मॉइस्चर, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, लंबे टाइम तक नमी प्रदान कर सकते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं,
दे आर इजीली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सही नहीं इसका भाई। देखो स्पेगनम जिसको अपन कारपेट मोस कहते हैं, बिल्कुल बोग मोस कहते हैं, बोग मोस बोलते हैं, वो दलदल पे, दलदल पे ग्रो करती है एसिडिक मीडियम में, तो वो ऐसे कांपता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। अब स्पेगनम कुछ पार्ट नीचे पार्शियली डिकम्पोज होता है, तो पीट फ्यूल, बिल्कुल लोएस्ट पीट मोस, पीट मोस बोलते हैं। लेकिन स्पेगनम एक एब्जॉर्बेंट कॉटन यानी एक अवशोषक रूई की तरह काम करता है, यानी वाटर को होल्ड कर सकता है। बिल्कुल। तो जो अपन न्यू सीडलिंग है, नवोद्युत पादप है या सीड या फ्रूट्स को अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं लंबी दूरी, जिनको लंबे टाइम तक पानी की जरूरत पड़ती रहती है, तो उनको इसकी कवरिंग एज ए पैकेजिंग सामग्री, तो ये पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा कि गेमी आर फाउंड इन एंड परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। भाई जो भी गेमा है उपस्थित होते हैं और अलैंगिक प्रजनन द्वारा नए पौधे बनाते हैं, तो कहां होते हैं? तो देखिएगा वहां आपको एनसीईआरटी के अंदर 100% क्लियर कर रखा है कि जो लोअर ब्रायोफाइटा लीवर वर्ड, लीवर वर्ड उसमें मार्केंसी है, बिल्कुल मार्केंसिया डायोसिस है, बिल्कुल क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस, अलग डिफरेंट थैलस होते हैं, तो मार्केंसिया का जो थैलस होता है डायकोटोमसली ब्रांच्ड और डोर्सी वेंट्रल होता है, बिल्कुल डोर्सी वेंट्रल होता है, तो वहां आप समझ सकते हैं कि डोर्सी वेंट्रल होता है, यहाँ एपिकल लॉन्च होती है, बिल्कुल जो ग्रोइंग करती है, फिर यहाँ पे आप जानते हो अगर मेल है तो यहाँ से सेक्स ऑर्गन जैसे N3-4 से और वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आपकी होती है गेमा कप। बिल्कुल। तो गेमा कप जो होते हैं लोकेटेड ऑन डोर्सल सरफेस, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब जो डोर्सल सरफेस है उसमें गेमा कप और उसकी इनसाइड आपकी होती है गेमी, जो मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन बर्ड है, और वो आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करती है, तो यहाँ फ्यूनेरिया में नहीं होगा, स्पेगनम में नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर क्या हो गया? मार्केंसिया। बिल्कुल क्लियर, तो मार्केंसिया में ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लेफी गेमेटोफाइट ऑफ मॉस प्लांट हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम व्हिच इज। जो मॉस है उस मॉस के अंदर जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है उन पे करके साहब जो लीफ है वो तने पर स्पेशल ऑर्डर में अरेंज रहती है। हालांकि यहाँ पर ये ट्रू स्टेम नहीं है, ये यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज रहती है, स्पाइरल अरेंज। तो स्टेम के चारों तरफ इस तरीके से ये स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे अभिमुख अपोजिट यहाँ पे आप कह सकते नहीं होगा, इसके अलावा स्पाइरल बिल्कुल यहाँ पे लाइन एनसीईआरटी नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं होगा, और जो वॉल है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। वो तो ये तो पर्ण विन्यास के, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर एंजियोस्पर्म में जो पर्ण विन्यास का देखा है, ट्रू लीफ उसमें होते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है ना, एक बार ये आप समझ सकते हैं कि भाई लोअर ब्रायोफाइट के अंदर तो ओनली मैन गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है थैलसोराइजो, लेकिन जो मोसेज होते हैं उनमें दो स्टेज बनती है, बिल्कुल फर्स्ट गैमेटोफाइट प्रोटोनिमा और सेकंड सेकंड आपका जानते हैं लीफी गेमेटोफाइट। बिल्कुल, तो लीफी गेमेटोफाइट जो होता है उसमें स्पाइरली अरेंज जो लीव्स होती हैं, तो आंसर आपका हो गया सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कितने कथन गलत है? गलत है। ब्रायोफाइट्स हैव डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं मेन बॉडी सर कैसी होती है, गेमेटोफाइट उसके ऊपर स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट अटैच रहता है, बिल्कुल जो न्यूट्रिशन लेता है गेमेटोफाइट से, तो डिपेंड होता है ये, बिल्कुल फर्स्ट प्लांट ग्रुप अर्थ के ऊपर जहां गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, बिल्कुल और अल्टरनेट आता है स्पोरोफिटिक, बिल्कुल और स्पोरोफिटिक डिपेंड है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पर, ये अर्थ पे पहला प्लांट ग्रुप, बिल्कुल बाकी के प्लांट के अंदर क्या होता है कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी होता है और आगे जाकर जिम्नोरेंजियम में स्पोरोफिटिक मेन बॉडी है, बिल्कुल और गेमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगा और डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, जबकि यहाँ आप समझ सकते हैं कि सबसे डोमिनेंट यहाँ पर गेमेटोफाइट है, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म कंटेन लेस नंबर ऑफ सेल कंपेयर टू गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, सही है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जैसे जैसे अपन बिल्कुल यानी विकसित पादप समूह की ओर जाएंगे तो गेमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है, और यहाँ तक जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आप देखते हैं पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है 2-3 सेल, 2-3 सेल और बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, 100% डिपेंड ऑन स्पोरोफिटिक, बीजांडविद पर वो निर्भर होता है। यस, यहां देखिएगा कि टेरिडोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है कि टेरिडोफाइट में मैन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफिटिक होती है, बीजांडविद, बिल्कुल, लेकिन जो एकांतरित रूप से जो गेमेटोफिटिक आता है वो फ्री लिविंग होता है, प्रोकैरियोट्स, तो उसमें दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, बिल्कुल फ्री अल्टरनेशन है ना, भाई जो स्पोरोफाइट है वो तो मैन प्लांट बॉडी होगी, गेमेटोफाइट प्रोकैरियोट्स बनकर अपना अलग वो रह जाता है, स्पोर से अलग स्पोर वहां से डिटेच हो जाता है, बिल्कुल और स्पोर से प्रोथेलस बनता है, बन जाता है, तो वहां इंडिपेंडेंट, बिल्कुल जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, तो बिल्कुल करेक्ट है। मोस कंटेन यूनिसेलुलराइज़ ये गलत है,
यहाँ आपने ही बता देते हैं कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें तो जो राइजोड होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड और अंदर स्मूथ वॉल्स होती है बिल्कुल। लेकिन जो मोसेज के राइजोड्स होते हैं, मोसेज के राइजोड्स वो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ब्रांच्ड होते हैं और ऑब्लिक्यूली सेप्टा होते हैं, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड, बहुकोशिकीय साकित और तिरछे पट वाले, तिरक पट विद ऑब्लिक्यूली सेप्टा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए। गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, ये गलत हो गया क्योंकि वहां टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर लिमिटेड आएगा, अपन समझाएंगे नेक्स्ट के अंदर बिल्कुल, कि वहां पर जो प्रोथेलस है उसको भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है, कूल डैम प्लेसेस बिल्कुल, ठंडे आद्र स्थान, नम छायादार स्थान उसको चाहिए प्रोथेलस को। जो गैमेटोफिटिक स्टेज है किसकी, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ ड्राई कंडीशन है तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ए बी और सी तो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कुछ अपने को रॉन्ग है तो रॉन्ग यहाँ पर दो हो गए, रॉन्ग दो हो गए, तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, फोर, यहाँ फोर फोर आंसर होगा है ना। तो ध्यान दीजिएगा अपन यहाँ पर जो फोर आंसर कर देते हैं, आंसर फोर हो गया। भाई आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे हैं, भाई करेक्ट तो थ्री है, करेक्ट तो थ्री है और रॉन्ग कितने हैं, टू टू है, कॉमन सेंस बिल्कुल है ना। तो अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट, एट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट कंटेन फूट सीटा एंड कैप्सूल इज सीन इन मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के किस सदस्य के अंदर सरलतम फूट सीटा कैप्सूल युक्त बीजाणुद्भिद यहाँ पर देखा जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो स्पोरोफाइटिक फेज है उसमें तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, फूट सीटा और कैप्सूल। यहाँ पर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन वो कैप्सूल करता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि साहब इसमें सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट यहाँ पाया जाएगा तो रिक्सिया, मार्केंशिया, स्पेग्नम एंड सिलेजिनेला। तो सर यहाँ देखिएगा कि देखो रिक्सिया आंसर होता, लेकिन यहाँ पर इसको फूड सीटा कैप्सूल में कर दिया, वैसे सिंपलेस्ट रिक्सिया में होता है बेटा। और जो रिक्सिया का बीजाणुद्भिद है वो ओनली किसका बना है, ओनली कैप्सूल से बना होता है, इसमें फूट और जो सीटा है वो एब्सेंट एब्सेंट होता है, तो ओनली कैप्सूल का बना होता है, वहां कैप्सूल होता है अंदर आप जानते हैं कि स्पोर स्पोर मदर सेल है बिल्कुल, तो फिर वो स्पोर मदर सेल्स बनती है और कुछ सेल्स उनको न्यूट्रिशन देने के लिए आप जानते हैं कि कंज्यूमर होती है, जो इलेटरस होती हैं नर्स सेल, और फिर नर्स सेल की जो वाल होती है उसको अपन कहते हैं इलेटरस बिल्कुल। तो इलेटर का पाया जाना भी उसका ही कैरेक्टर है, यस। अब आप समझ सकते हैं कि भाई फूड सीटा कैप्सूल तो फिर मार्केंशिया में आ जाएगा, मार्केंशिया में जनरली कुछ स्पीसीज में आप जानते हैं कि ओनली आप समझ सकते हैं फूट एंड कैप्सूल होते हैं, फूट एंड कैप्सूल स्पीसीज में तीनों सीटा होते हैं, तो फिर आपका आंसर यहां पर ज्यादा करेक्ट होगा सेकंड से भी। और स्पेग्नम और सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला में तो होता नहीं, कुछ टेरिडोफाइट है, और स्पेग्नम में होता है, लेकिन स्पेग्नम में तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जो मोसेज होती है, तो मोसेज में तो देखिए बेटा कि जैसे ये स्टेम लाइक और इसी के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ये राइजोइड्स, तो ये तो उसका हो गया गैमेटोफिटिक बिल्कुल, ये तो राइजोइड्स मल्टीसेलुलर ऑब्लिक सेप्टा ब्रांच और ऑब्लिक सेप्टा, ये आप जानते हैं कि स्टेम लाइक, इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहां से देखिएगा कि ये आपका फूट होता है जो इसमें धसा होता है फूट, उसके बाद ये आपका क्या होता है सीटा, सीटा और यहां आपका होता है क्या कैप्सूल, कैप्सूल जो आगे स्ट्रक्चर भी आ जाएगी, तो ये इलेबोरेट होता है, अच्छा विकसित होता है ना, और मतलब थोड़ा सा ये पूर्ण परजीवी नहीं होता है बिल्कुल। यहाँ जो अपन बात करेंगे कि जो लीवर वर्ट का जो गैमेटोफाइट है वो 100% डिपेंड है स्पोरोफाइट, कंप्लीट पैरासाइट, लेकिन यहाँ कंप्लीटली डिपेंड नहीं, नहीं। तो फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है बिल्कुल। तो ये आपका हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, आर्किगोनियो 4 एंड एंथ्रेडियो 4 आर सीन इन, तो भी हमने बात की थी कि जो आर्किगोनियो 4 है और जो एंथ्रेडियो 4 है ये लीवर वर्ट के अंदर है, और जो लीवर वर्ट है उसके अंदर भी किसके अंदर है, ये जो मार्केंशिया है उनके अंदर पाया जाता है, मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है, ये डायशीस यहाँ पे होता है। हाँ भाई आप समझ सकते हैं कि यहाँ रिक्सिया और मार्केंशिया दे दिया, तो जो आर्किगोनियो 4 और एंथ्रेडियो 4 है वो तो रिक्सिया में भी हो सकती है, लेकिन मार्केंशिया में अलग अलग थैलस पे होंगी, तो आपको 100% आर्किगोनियो 4 पे आर्किगोनिया और एंथ्रेडियो 4 पे एंथ्रेडियो दिख जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर क्या होगा सेकंड, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following plant group represent liverwort? Liverwort किसमें आते हैं? Rickettsia अपन कह सकते हैं liverwort है, Markensia liverwort है, Fimeria जो है moss में आ गया, Markensia liverwort है, Sphagnum moss, Rickettsia liverwort, ये liverwort, liverwort और Polytrichum किसमें आता है? Moss में आता है। And none of these यहाँ पे है। Answer none of these हो जाएगा। बिल्कुल। तो which of the following plant group represent liverwort के बाद यहाँ पे की गई है? तो lower bryophyta है, liverwort है, उनके अंदर रिक्सिया बिल्कुल, मार्केंशिया ये आप कहते हैं रिक्सिया मार्केंशिया लीवरवर्ट में, लीवरवर्ट बिल्कुल। और इसके अलावा अपन बात करें कि मोस की मोसेज है,
तो उसमें स्पेगनम है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, भाई पॉलीट्राइकम तो जानते हो सक्सेसर में सबसे इंपोर्टेंट रोल करती है, बिल्कुल प्लांट सक्सेशन, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात आपकी हो गई। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कौन सी जनरेशन भी बात की थी अपन ने, इसकी मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होती है, उसके ऊपर आता है स्पोरोफाइट जो कि ट्वन होता है, तो इसके अंदर जो आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हो गया हैप्लोडिप्लॉइड, बिल्कुल यहां पर मेन बॉडी हैप्लॉइड उस पर डिपेंडेंट है, ड्राइव में भी टेरिडो में भी, टेरिडो में हालांकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है लेकिन अल्टरनेट फ्री लिविंग हैप्लॉइड हो जाती है, तो कोई भी अगर डोमिनेट के बाद जो अल्टरनेट हो मल्टी सेलर है बिल्कुल, तो वो आप जानते हैं कि हैप्लोडिप्लोइटिक में आता है, बिल्कुल। तो ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लोइड है, गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक है, फिर आप जानते हैं थैलस और राइजोइड, फिर सेक्स ऑर्गन आ गए, जब तक गैमेट नहीं आएंगे तब तक हैप्लोइड ही रहेगा, बिल्कुल। फिर गैमेट फ्यूज हो गए, जायगोट हो गए, तो जायगोट से लेकर फिर इसका जो स्पोरोगोनियम बनता है, फूड सीटा कैप्सूल बनता है, तो कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है वहां तक स्पोरोफाइट, वहां तक ट्वेन है, तो जायगोट से स्पोर मदर सेल तक ट्वेन, बिल्कुल। फिर स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस, तो स्पोर से थैलस का डायरेक्ट जर्मिनेशन, बिल्कुल, यानी लीवर वट में, और मोसेज में पहले स्पोर से प्रोटोनिमा, फिर बड और फिर लीफ स्टेज, बिल्कुल। तो स्पोर गैमेटोफिटी की फर्स्ट स्टेज है, स्पोर फिर आपका मैन प्लांट बॉडी थैलस राइजोइड, फिर आप सेक्स ऑर्गन, गैमेट तक एन है, गैमेट तक क्या है एन, तो ये आपका एन फेज हो गया, एन और टू एन, तो ये आपका लाइफ साइकिल हो गया हैप्लोडिप्लोइडिक, बिल्कुल हैप्लोडिप्लोइडिक, क्लियर। तो आप नेक्स्ट देखिएगा, हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट नंबर ऑफ राइट स्टेटमेंट अबाउट टू गिवन फिगर, बिल्कुल नीचे दिए गए चित्र से संबंधित सही खतनों को आपको चयन करना है, तो ध्यान दीजिए जो डायग्राम आपको दे रखा है वो मार्केंसियन का है, कैसे लीवर वट का, बिल्कुल। भाई देखिएगा कि जो थैलस है वो डायकोटोमसली ब्रांच्ड है, बिल्कुल, डोर्सी वेंट्रल है, डोर्सी वेंट्रल है, पृष्ठाधारी प्रस्ताधारी द्विभाजी साकेत, द्विभाजी साकेत एपिकल नोच है यहाँ पे, ये मैच्योर हो गया, डॉर्सल सरफेस पर गेमा का भी है, गेमा का, ये किसका करेक्टर है, मार्केंसिया। अब देखिएगा कि इससे जो सेक्स ऑर्गन आपके आ रहे हैं, तो सेक्स ऑर्गन भी आप जान डॉर्सल, यहाँ से ये आपका हो गया आर्किगोनियोफोर, बिल्कुल, तो आर्किगोनियोफोर से अटैच्ड है आर्किगोनिया, बिल्कुल। आर्किगोनिया यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया 18 नंबर होती है, 18 नंबर संख्या में 8 होते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में शो कर रखा है, तो यहाँ पे आर्किगोनियो 4 है, उस पे आर्किगोनियल डिस्क है और उससे 8 संख्या में निकले हुए हैं आर्किगोनिया, और आप जानते हैं मार्केंसिया में फीमेल थैलस और मेल थैलस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल डायसिस, बिल्कुल डायसिस होते हैं, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेल नहीं फीमेल थैलस है, इट कंटेन ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट, बिल्कुल सही है, सही है, फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी है, इट इंक्लूड इन लीवर वट, सही है, करेक्ट है, इट्स आर्किगोनिया फाउंड इन आर्किगोनियल डिस्क, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, और इट कंटेन मल्टीसेलुलर सेल, ये गलत है, ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स होंगे, लीवर वट होंगे, उनके अंदर राइजोइड ऑलवेज यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, और जो मोसेज है वहां पे मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेल, विद ऑब्लिकली सेल, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 100% जो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट तीन स्टेटमेंट आपके हो गए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, तो विच रीजन ऑफ गिवन प्लांट कंटेन प्रिमिटिव स्टोमेटा, दिए गए चित्र में कौन सा भाग प्रारंभिक रंध्र युक्त होता है, तो एक मतलब थोड़ा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ट्रू स्टोमेटा तो होते नहीं, ट्रू स्टोमेटा स्टोमेटा की तरह संरचना हो सकती, बिल्कुल। तो यहां देखिएगा कि जैसे ये गैमेटोफाइट है, वो तो आप समझ सकते हैं कि स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड, बिल्कुल, और ये मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड, तो मॉस है, और ये फूट सीटा और कैप्सूल, तो वहां कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर बताया गया कुछ पोर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्सूल, क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, हैव कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर यूज्ड टू रिप्लेस कॉटन एंड इट्स प्रोडक्ट यूज्ड एज ए फ्यूल इज, जिसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है, कॉटन के प्रतिस्थापन में उपयोग तथा जिसके उत्पाद ईंधन के रूप में काम आते हैं, वो यहाँ पे कौन सा है, अपन कह सकते हैं स्पेगनम, जो स्पेगनम है ये हाइड्रोकोलोइड होता है, हाँ। और ये जो है वो एज ए फ्यूल भी काम आता है, ठीक है, ये यहाँ पे आप कह सकते हो बढ़ने पर ये जलता भी यहाँ पर ये। भाई जो स्पेगनम हो एसिडिक जो मार्सी रीजन होता है अम्लीय दलदल में वहां पाया जाता है, दलदल पे कांपता हो तो बोग मॉस वेव शेप और कारपेट की तरह, क्योंकि जोरजस मतलब युद्धिचारी स्वभाव का होता है, तो फैल जाता है कारपेट की तरह। अब पार्सली डिकम्पोज होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो पार्सली डिकम्पोज होगा, अब लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, वुड भी नहीं है, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का फ्यूल है पीट, बिल्कुल, तो इसको पीट मॉस भी कहते हैं,
इसी से प्राप्त होता है। और इसमें वाटर को अब्सॉर्ब करने की या होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, हाइड्रोक्लोराइड हो गया। और स्टेग्नोसिन इसमें एंटीबायोटिक भी है। बिल्कुल, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको जो घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, उनको साफ करने में भी इसको यूज किया गया था एज ए एब्जॉर्बेंट कॉटन। बिल्कुल, एनसीईआरटी में दे रखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो पेनिसिलिन है वो तो काम आने वाली एंटीबायोटिक थी, और कॉटन की तरह हमने जो काम में लिया था वो अपने पास में था। बिल्कुल, और समझ सकते हैं कि भाई ये वाटर होल्ड करता तो पैकेजिंग सामग्री की तरह यूज होता है, वो अपन डिस्कस कर चुके स्पेग्नम। क्लियर? बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं आंसर आपका स्पेग्नम हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटोनिमा इज, प्रोटोनिमा है तो फॉसिल टेरिडोफाइट नहीं है, ए पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया नहीं, और नहीं है क्योंकि प्रोटोनिमा हैप्लोइड है। बिल्कुल, द ज्वेलाइन फेज ऑफ द मोस्ट गैमेटोफाइट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिएगा अपन ने क्या कहा था, अभी शॉर्ट में बताता हूं। बिल्कुल, कि मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बताइए, अपन मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बताइए, फिर आप जानते हैं कि सेक्स ऑर्गन आ गए, गैमेट्स आ गए, गैमेट एन एन है, फ्यूज हो गए, जायगोट हो गया, जायगोट के बाद आप जानते हैं कि फूड सीटा कैप्सूल। बिल्कुल, और कैप्सूल में आपके आगे स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। क्या बन गया? स्पोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर वर्ट में तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और थैलस बनता है। बिल्कुल, डायरेक्ट जर्मिनेशन, स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से आपका क्या बनता है? थैलस और राइजोइड। बिल्कुल, थैलस और राइजोइड बनता है। क्लियर? लेकिन जो मोसेज होते हैं, मोसेज में डायरेक्ट नहीं बनता, पहले स्पोर से आपका बनेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल, जो इसकी ज्वेलाइन स्टेज है, गैमेटोफाइट है, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा के बाद आप जानते हैं कि बर्ड और उस पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज आती है, लीफी गैमेटोफाइट, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये अच्छा इंसेंट लिख रखा है कि जो मोसेज का गैमेटोफिटिक है उसकी दो स्टेज है, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहां स्पोर का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। बिल्कुल, स्पोर का इनडायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन। बिल्कुल, और अपन बिल्कुल लास्ट में पेज अटैच करके लाइफ साइकिल कंप्लीटली, जो लाइफ साइकिल होते हैं, जो जीवन चक्र है, अपन बहुत परफेक्ट लेवल पर अपन समझाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड इसका सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स carefully, protonema is found in moss and absent in liver wort. बिल्कुल सही बात है, protonema का owner character moss का है, क्योंकि moss में ही दो phase होती है life की। In Markensia, the sporophyte is divided into foot, seta and capsule. Okay. Archegonia in Markensia found in archegonial disc. अभी हमने बात की थी। Gymnosperm lack of vessel in xylem. एक्सेप्ट, बिल्कुल, सम प्लांट लाइक नेटम, जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है उनमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है, लेकिन जो नेटम यहाँ पर जो है उसमें वेसल्स पाई जाती है। भाई जिम्नोस्पर्म में जनरली वेसल एब्सेंट होती है, लेकिन एक एडवांस ऑर्डर है जो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल, तो निटेल्स में आप जानते हैं निटम, वेलवेस, एपिडर्मिस, वहां पर वेसल्स होती है। तो यहाँ सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सारे सही है यहाँ पे, और अपने सारा समझा चुके हैं आपको। बिल्कुल, पहले बात हो चुकी है अपने सारी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज इन गैमेटोफाइट ऑफ मोसेस। अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा मोस के युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था कौन सी है। बिल्कुल, तो अपने क्या कहा, अभी तो कहा था भाई जो स्पोर है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन हुआ। बिल्कुल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो हैप्लोइड क्या बन गए, स्पोर, और चारों स्पोर्स हैं सिमिलर साइज के होते हैं, क्योंकि सारे के सारे ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। ये भी कंसेप्ट जब हम टेरिडोफाइटा से रिसेंबल करेंगे तो बहुत काम में आएगा। बिल्कुल, फिर टेरिडोफाइटा कुछ तो होमोस्पोरस है, कुछ हेट्रो, कुछ हेट्रो, और जिम्नो एंजियो सारे हेट्रोस्पोरस है। अब देखिएगा कि मैंने क्या कहा था आपको कि स्पोर का अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन हो, डायरेक्ट, तो वो लीवर वर्ट, लीवर वर्ट के अंदर आप जानते हो मैन प्लांट बॉडी थैलस और राइजोइड्स, थैलस और मूलावास बन जाएगा बेटा। बिल्कुल, लेकिन अपने कहा था कि अगर स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं हो, पहले स्पोर की जर्मिनेशन से आपका बने प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल, प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो प्रोटोनिमा बन गया। बिल्कुल, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा जो आप जानते हैं एक फिलामेंट है, एक तंतु समान संरचना है, और प्रोटोनिमा, हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो यहां आप समझ सकते हैं बेटा कि प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल, प्राइमरी प्रोटोनिमा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, और आप समझ सकते हैं कि भी ये उसके पश्चात प्राइमरी प्रोटोनिमा से बड, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उसके ऊपर आएगी लीफी गैमेटोफाइट। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होने से लीफी गैमेटोफाइट बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भी दो स्टेज होगी,
फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकंड लीफी गैमेटोफाइट। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेज आपसे पूछी है तो गैमेटोफोर नहीं होगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। 100% आंसर आपका क्या होगा? प्राइमरी प्रोटोनिमा। बिल्कुल, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा नहीं होगा, थैलोइड बॉडी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन डायग्राम स्ट्रक्चर्स ए बी एंड सी आर सीक्वेंसली रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जो ए है वो यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया एंथ्रेडियोफोर, क्योंकि यहाँ पर ये एंथ्रेडियम है। बी यहाँ पर हमने बात की के साथ मार्केंशिया जो है उसकी ऊपर वाली सरफेस, उसकी जो डोर्सल सरफेस है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गेमा का पाए जाते हैं। और सी जो आप यहाँ पर देख रहे हो वो राइजोइड्स, ये अनब्रांच्ड राइजोइड्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर ए तो हो गया अपने अपन कह सकते हैं एंथ्रेडियोफोर, बी यहाँ पर हो गया गेमा का और सी यहाँ पे हो गया राइजोइड्स। फोर इसका बिल्कुल डिस्कस कर चुके ना पहले, जो एक बार डायग्राम आया था वो फीमेल थैलस का आया था, ये मेल थैलस का है और मार्केंशिया का। तो आंसर क्या हो गया? 4-4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। सेक्स ऑर्गन ऑफ मोसेस आर प्रोड्यूस्ड एट। मोसेस में प्रजनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? एपेक्स ऑफ लीफ, बेसल रीजन ऑफ लीफ, एपेक्स ऑफ लेफी शूट या लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्प्रोफाइट। आपने पता है कि मोस में जो लेफी शूट है उसका जो एपेक्स पार्ट होता है वहां पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन। बिल्कुल, एंशिएंट लिख रखा है कि जब मेच्योर हो जाएगा, आपने कहा कि भाई स्टेम लाइक, लीफ लाइक और जैसे कि राइजोइड्स, ये राइजोइड हो गए। बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे सेक्स ऑर्गन सीधे आएंगे और फिर वहीं से आप जानते हैं कि गैमेट्स बनेंगे, फ्यूज होंगे तो फूड शीटा कैप्सूल बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट लाइन लिख रखी है यहाँ पर एपेक्स ऑफ लीफी शूट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मोस्ट प्लांट। मोस्ट पादपों के लिए कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट स्टेज ऑफ मोस्ट प्लांट इज प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन, अभी हमने बात की थी। लेफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, अभी बात की थी कि साहब जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और हर फ्रेगमेंट से फिर लेफी स्टेज बन जाती है। डेवलप्ड गेमेटोफाइट ऑफ मोस, डेवलप्ड गेमेटोफाइट ऑफ मोस डेवलप ए लेटरल बड ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गेमेटोफाइट है उस गेमेटोफाइट के अंदर जो लेटरल बड ऑफ जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो अपन यहाँ कह सकते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि साफ पहले सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है गेमेटोफाइट फेज, उससे बनते हैं गेमेट्स, उससे जायगोट, फिर बनता है स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, और स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है उसमें जो स्पोर मदर सेल है उससे बनता है अपने कह सकते हैं स्पोर। बिल्कुल सही, और अपन वहीं पे अपन ने कह दिया था ना भाई स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है लीवर वर्ट। बिल्कुल, इनडायरेक्ट होता है तो पहले एक सिंपल फिलामेंट सा बनेगा, इसको आप कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर इसके ऊपर आप जानते हैं कि ऐसे स्पेशली बड आती हैं। बिल्कुल, बड्स आ जाती हैं, बड्स, और ये ऐसे ब्रांच्ड भी हो जाता है। बिल्कुल, और यहां पर आप जानते हैं कि ब्रांच्ड हो जाता है बड डेवलप हो जाती है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर जो ईच बड है उससे लीफी गैमेटोफाइट। बिल्कुल, लीफी गैमेटोफाइट, और आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट 100% क्या हो गया? रॉन्ग, गलत हो गया, क्योंकि स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन तो किसमें होता है? लीवर वर्ट में होता है। बिल्कुल भाई, बीजाणु का प्रत्येक संकोण तो ओनली किसमें होता है? लीवर वर्ट। बिल्कुल, क्लियर। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। मोसेस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट बिकॉज इंपोर्टेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल सही बात है, जो मोसेस है वो पायोनियर कम्युनिटी के फॉर्म में आते हैं और इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसको शुरू करते हैं। प्रिवेंट सोइल इरोजन, ये क्या करते हैं? जो सोइल है उस पर कालीन के रूप में बिछाते हैं और जो मिट्टी का कटाव उसको रोकते हैं। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही है, जो नाइट्रोजन वगैरह की जो एक्सेस अमाउंट होती है उनको अपन कह सकते हैं उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। वैसे देखिएगा कि मोसेज का कोई, आप समझ सकते हैं जनरली जो ब्रायोफाइट्स है उनका कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं होता है। बिल्कुल, केवल मोसेज में एक स्पेग्नम, स्पेग्नम बहुत इकोनॉमिक इंपोर्टेंट मोस के फॉर्म में, मोस फॉर्म। बिल्कुल, लेकिन ये जो मोस है द ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेसर। बिल्कुल, सबसे इंपोर्टेंट तो पारिस्थितिक अनुक्रमण में, क्योंकि लाइकेन के साथ समस्त मोस पायनियर के रूप में, और सबसे पहले अपन कहते हैं लाइकेन जो है वो रॉक्स को तोड़ देता है, थोड़ी सी मिट्टी बनती है और थोड़ी सी मिट्टी के अंदर बस ये मोस ही वहां पर सर्वाइव कर पाता है। जीरोफाइटिक कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं मोस जो पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम, और फिर मोस डेंस मैट फैलाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भी मेनली तो यहाँ पर इंपोर्टेंट तो सबसे ज्यादा होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल, लेकिन साथ में सोयल इरोजन, यानी वो ये भी यहाँ पर दे दिया साथ में आ जाएगा। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज आपको आंसर दे दिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ब्रायोफाइट्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वर्ट इज थैलोइड। बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। मोसेस हैव अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। बिल्कुल सही है, एक्सियाटिक लाइन है। अभी बात की थी अपन ने भाई लोअर ब्रायोफाइट लीवर वर्ट का प्लांट बॉडी थैलस और राइजोइड्स, दो ही चीजें होती है। और जो मोसेस है उसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक और राइजोइड्स, राइजोइड्स। तो आप समझ सकते हैं कि हैव अपराइट सिलेंडर एक्सिस। बिल्कुल, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। बिल्कुल,
जो स्टेम है उस पे स्पाइरली अरेंज रहती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल। तो ये आपके एनसेटिक लाइन है, सेकंड आंसर भाई सेकंड लाइन करेक्ट है, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म डायरेक्टली लीफी गैमेटोफाइट, ये गलत है, बार बार अपने कह रहे हैं कि मॉस में ऐसा नहीं होता है, है ना, स्पोर जर्मिनेट टू डायरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट नहीं बना सकता है, लीवरवुड का जो थैलस वो बना सकता है बिल्कुल, लेकिन लीफी गैमेटोफाइट तो किसे बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, बट से आपका बनेगा, स्पोर से पहले बनता है प्रोटोनिमा, और देयर जायगोट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ये सही है कि जायगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोर स्पोरोफिटिक जनरेशन है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन जायगोट, और फिर जायगोट में जैसे माइटोसिस होते हैं तो मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक डेवलप होता है, कुडशीटा कैप्सूल, और वो स्पेशली स्पोरोगोनियम स्पोर मदर सेल तक आपका जाता है स्पोरोफिटिक बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि यहां इनकरेक्ट आपसे पूछा होगा, तो थर्ड आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय गिवन स्टेटमेंट, निम्नलिखित खतरों को पढ़िए और उस पादप समूह की पहचान कीजिए जिसकी व्याख्या इन खतरों के द्वारा हो सकती है। दे इंक्लूड वेरियस मोसेज एंड लीवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग मोस्ट सेडेड एरिया हिल्स, बिल्कुल ये करेक्ट है, ब्रायोफाइट्स को शो कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स, और आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट ठंडे नम छायादार स्थानों पे, कूल डैम्प और आप जानते हैं मॉइस्ट एरिया पे ग्रो करते हैं, बिल्कुल। हेलियोफाइट्स होते हैं, छायाप्रिय होते हैं, बिल्कुल हेलियोफाइट्स आपके होते हैं, दे लैक ट्री रूट और स्टेम एंड लीव्स, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू क्या है, एब्सेंट है, तो सत्य प्रकार की जड़ तना पत्ती नहीं होती है। द मैन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड गैमेटोफिटिक है, और दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलर स्पोरोफिटिक विच अटैच टू गैमेटोफिटिक, बिल्कुल। तो अपने बार बार कहा कि मैन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है वो हैप्लोइड है, गैमेटोफिटिक है, और आप समझ सकते हैं कि पहला प्लांट ग्रुप है जहां मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है और डोमिनेंट है, बिल्कुल, और अल्टरनेट आपका स्पोरोफिटिक आ रहा है, लेकिन स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है, ये एक ऐसा डिवीजन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत परफेक्टली एनसीईआरटी पढ़कर इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, हमारे वीडियोज को आप लाइक अच्छे से लाइक बढ़ा सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं, तो हम आगे आपको लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से और सिखाएंगे, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप रिप्रेस जो भी करें, आप समझ सकते हैं कि सारी चीजें आप इसको बहुत कॉन्फिडेंट आगे बढ़ाएं। तो ये सारे कैरेक्टर किससे रिलेट हो गए, ब्रायोफाइटस, एलगी से तो हो ही नहीं सकते, फंजाई से नहीं हो सकते, टेंडोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीव्स पाई जाती है, बिल्कुल, और मॉस वगैरह उसमें नहीं आते, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए सही नहीं है, ऑल मोसेस परफॉर्म ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपने कहा था कि एल्गी में तो होते हैं आइसो एनाइसो और ओगेमस कंडीशन होते हैं, ब्रायोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, ओगेमस होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा के अंदर जूडियोगेमी, बिल्कुल जूडियोगेमी यानी जो मेल गैमेट है वो कोमासैप है, फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल होता हुआ यहाँ आर्किगोनिया में जाकर एग सेल से फ्यूज होगा, आर्किगोनिया केमिकल को सीक्रेट करती है, तो केमियोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक हो गया, रसायनोवर्तन गति हो गया, क्योंकि चल के जा रहा है, रसायनोचलन, बिल्कुल रसायनोचलन, कीमोटैक्टिक, रसायनोचलन होगी, और ये आपकी जूडियोगेमी होती है, क्योंकि ये बिना पोलन ट्यूब के जा रहा है, वाटर में से जा रहा है, हाँ, मोटाइलोगेमी हो गई, तो जूडियोगेमी होगी, तो जूडियोगेमस हो गई, बिल्कुल, और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, और मेल गैमेट स्मॉल है, मोटाइल है, फीमेल गैमेट लार्ज है, तो ओगेमस, बिल्कुल ओगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, करेक्ट है, With germination of moss spore, what is the sequence of structure that develop after germination? Moss के बीजाणु के अंकुरण के बाद विभिन्न विकसित होने वाली संरचनाओं का सीक्रम यहाँ पर क्या है? बिल्कुल अपन बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ सर आपने बार बार डिस्कस कर दिया, बिल्कुल, कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल स्पोर मदर सेल, बिल्कुल, उसमें मियोसिस हुआ तो बताओ स्पोर क्या, एन एन, इसके बाद स्पोर, जैसे कि मोस में तो प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, लीफी गैमेटोफाइट, क्लियर, लेकिन जो लीवरवर्ट है उसमें डायरेक्टली थैलस और राइजोइड, राइजोइड, तो स्पोर के बाद जो गैमेटोफिटिक मैन प्लांट बॉडी बनेगा, अपने यहां मोस का पूछा है तो प्रोटोनिमा हो जाएगा, प्रोटोनिमा गैमेटोफिटिक मैन प्लांट बॉडी, उसके बाद उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आएंगे, एन3डी आर्किगोनिया, बिल्कुल, फिर गैमेट्स उनमें डेवलप होंगे, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जायगोट, जायगोट स्पोर मदर सेल पहली सेल आ जाएगी, बिल्कुल, फिर जायगोट से एम्ब्रियो फूड शीटा कैप्सूल जो आपका डेवलप हुआ
तो यहां अपन बात कर सकते हैं कि भी मोस के बीजाणु के अंकुरण के बाद विभिन्न विकसित होने वाली संरचनाओं का सही क्रम स्पोर के जर्मिनेशन के बाद में, तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर प्रोटोनिमा आ जाएगा, सबसे पहले हो गया प्रोटोनिमा के बाद वो डेवलप हो गया गैमेटोफोर, बिल्कुल नंबर दो यहाँ गैमेटोफाइट आ जाएगा जो लीफी गैमेटोफाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप समझ सकते हैं कि आपके डेवलप हो जाएंगे गैमेट, बिल्कुल क्योंकि यहां तक एन है, ये हैप्लॉइड फेज हो गया गैमेटोफाइटिक। अब गैमेट के फ्यूज होती है जायगोट बन गया, जायगोट तो जायगोट के अंदर एम्ब्रियो आ गया, एम्ब्रियो बिल्कुल एम्ब्रियो हो गया, और एम्ब्रियो ने क्या डेवलप किया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कैप्सूल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर देखिएगा सबसे पहले प्रोटोनिमा फर्स्ट, फिर आप जानते हैं कि गैमेटोफोर, हां तो फर्स्ट फोर फाइव, उसके बाद में आप कह सकते हैं सेकंड, हां फोर फाइव सेकंड, उसके बाद में आ गया फर्स्ट और थर्ड, तो यहां पे आंसर हो गया अपने पास में थर्ड, बिल्कुल इजी वे के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। लाइफ साइकिल को आपको देखना होगा, और लाइफ साइकिल में बड़ा ध्यान रखना कि जैसे गैमेटोफाइट से स्टार्ट करना है तो एन से स्टार्ट करना है, स्पोर से, फिर आपका जो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है एन से, जाना है जाना जाना गैमेट तक जाना है, गैमेट को फ्यूज करते हैं क्या 2N, 2N, जायगोट बनना मतलब 2N, फिर वहां से जाना 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 कहां तक जाना सर, अपने को वहां से लेकर जाना है जायगोट के बाद में स्पोर मदर सेल तक, स्पोर मदर सेल जो कैप्सूल में पाई जाती है वहां तक स्पोरोफाइट, मियोसिस करते वापस किस पे आ जाना है गैमेटोफाइट में आना है, स्पोर में आना है, और वहां से अपन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर आपका क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट पेयर ऑफ प्लांट्स इंक्लूड एज नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब जहां पे एम्ब्रियो बन जाए और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, दूसरी से बात है किसको शो करता है ब्रायोफाइटा को शो करता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा है और नॉन वैस्कुलर है, टेरिडोफाइटा जो होगा वो एम्ब्रियोफाइटा वैस्कुलर हो जाएगा, तो अपने को यहां पे ब्रायोफाइटा देखने हैं। स्पायरोगायरा ये तो यहां पे क्या हो गया एल्गी हो गया, स्पेग्नम एंड सिलेजेनेला ये यहां पे क्या हो गया टेरिडोफाइटा हो गया, मार्केंशिया एंड स्पेग्नम ये यहां पे आप कह सकते हो ब्रायोफाइटा है। सीधी सी बात शुरू में अपन ने बात की कि एल्गी में तो एम्ब्रियो नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो किसमें ब्रायो में, ब्रायोफाइटा अब ब्रायो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो नॉन वैस्कुलर असमनी क्रिप्टोगैमस, और एम्ब्रियोफाइट कौन है ब्रायो, बिल्कुल। अब यहां एल्गी आ गया नहीं हो सकता, यहां पे टेरिडो आ गया जो तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं, बिल्कुल समनीय पादप होते हैं जड़ना पत्ती वाले, बिल्कुल यहां मार्केंस स्पेग्नम दोनों तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, बिल्कुल। और यहां देखो ये फिर एल्गी आ गया और ये तो मॉस है, मॉस है, तो थर्ड आंसर आपका इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, मोर डेवलप्ड एंड इलेबोरेट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन मॉस, और मॉस का यहां पर जो एग्जांपल अपने पास में वो क्या हो गया स्पेग्नम। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो लीवरवर्ट है उसमें रिक्सिया का तो सबसे सिंपलेस्ट बोनी कैप्सूल, और फिर भी जो लीवरवर्ट का जो मासाणुविद है स्पोरोफिटिक है, वो आप समझ सकते हैं कंप्लीट पैरासाइट ऑन गैमेटोफिटिक, बिल्कुल पूर्ण आश्रित रहता है भोजन और आवास के लिए। लेकिन जो मॉस का स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है, तो फूड तो खुद बना लेगा, और जो शेल्टर जो आवास वगैरह है वो कहां से ले लेगा अपन कह सकते हैं, तो अर्ध परजीवी हो गया, अर्ध परजीवी हो गया, वो पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि लेकिन मॉस का जो आपको मैंने डायग्राम के अंदर बताया था कि मॉस का जो स्पोरोफाइटिक है वो बहुत ज्यादा विकसित है और 100% फूड सीटा और कैप्सूल में विभेदित है, विभेदित है। तो आपको शुरू में अपने डायग्राम में बता दिया, तो स्पेक्ट्रम आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हाँ तो देखिए उड़ा क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, निम्न में से सही का चुनाव करो, इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल आर प्रोटेक्टेड इन ओवरी बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो आप कह सकते हो ओवरी से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के पहले है वो वहां पे ओवरी रहती है और बाद में उसमें फ्रूट बन जाता है। मोसेस डीकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं भाई लाइकेन के साथ जो मॉस आए सक्सेशन में हेल्प करता है, लाइकेन के साथ जो मॉस आए उन्होंने रॉक की विदरिंग की, बिल्कुल इकोलॉजिकल सेक्शन में ग्रेट रोल रखते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई कि जब उनकी खुद की डेथ हुई तो ऑर्गेनिक मैटर भी बना, बिल्कुल, और रॉक की विदरिंग हुई, चट्टानों का अपक्षय हुआ, तो सॉइल बनी, ज्यादा मिट्टी बनी, ह्यूमस बना, बिल्कुल, तो वो हायर प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन, हायर प्लांट के लिए सुटेबल कंडीशन। और आप देख सकते हैं कि द हैप्लोइड स्पोर ऑफ ब्रायोफाइट जर्मिनेट टू ग्रो प्रोड्यूस फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बिल्कुल अभी बात की थी अपन ने कि ब्रायोफाइटा का स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो मैन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है, बिल्कुल वो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग युग्मोद भी स्वतंत्र, क्योंकि वहां तो बीजाणु भी डिपेंडेंट है इस पर, बिल्कुल पर, तो यहां पर आप सारे सकते हैं कि एबीसी करेक्ट फोर्थ ऑप्शन हो गया सही है। और इस क्वेश्चन इस ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है कि वहां पर आपको समझाएंगे कि एंजियोस्पर्म में मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, बिल्कुल, और जड़ तना पत्ती जब कायिक वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, तो आप जानते हैं कि उस पर फ्लावर आते हैं, फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आते हैं, और वहां आप समझ सकते हैं कि जो आप बिल्कुल कार्पल की बात करते हैं, कार्पल में तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल
और ओव्यूल के अंदर जायगोट डेवलप होता है। बिल्कुल। तो फिर जायगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड और ओव्यूल से फ्रूट, तो फ्रूट डेवलपमेंट तक वो मैन प्लांट बॉडी पे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट सक्सेसफुल एंड ड्वेलर्स आर प्रथम सफलतापूर्वक स्थापित स्थलवासी कौन से हैं? तो ब्रायोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है लेकिन उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं था, तो वैस्कुलर टिश्यू के नहीं होने से वो फर्स्ट अनसक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए। जो टेरिडोफाइटा है वो आप कह सकते हो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है बिकॉज उसमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, अपन ने बात की कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है। बिल्कुल। तो एक तो वैस्कुलर टिश्यू नहीं है सवन उत्तक, जिससे उनका पादर जड़ तना पत्ती में नहीं है, यानी वो हाइट नहीं ले पाए। बिल्कुल। क्योंकि सवन उत्तक नहीं है। दूसरी बात, उनको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता है? वाटर की। बिल्कुल। इसलिए वो फर्स्ट लैंड प्लांट तो है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल। और पहले सक्सेसफुल आपके टेरिडोफाइटा, वैस्कुलर टिश्यू आ गए। बिल्कुल। लेकिन वो भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं होंगे, अपन पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वहां उनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, उनको भी निषेचन के लिए आवश्यक रूप से भी जुड़े के भी पाए जाते हैं, चाहिए, है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो टेरिडो हो जाएगा। बिल्कुल भाई, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइटा सफलतापूर्वक, वो आपका जानते हो कि टेरिडोफाइटा। बिल्कुल। और आप जानते हो कंप्लीटली सक्सेसफुल जो प्लांट होते हैं तो वो आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पोलन ट्यूब वगैरह पाई जाती है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ब्रायोफाइट्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फंजाई इन हैविंग, ब्रायोफाइटा को किसकी उपस्थिति में कवकों से भिन्न मानोगे? स्टेराइल जैकेट लेयर अराउंड सेक्स ऑर्गन, अपने डिस्कस कर चुके हैं। एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, फंजाई में भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रायोफाइटा में 100% आप जानते हैं कि मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बहुकोशिकीय बंदे आवरण युक्त। बिल्कुल। सेक्स ऑर्गन आपके होते हैं, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट आंसर हो गया। लैंड हैबिट तो कुछ फंजाई की हो सकती है। बिल्कुल। फ्लेजिलेटेड गैमेट होते हैं कुछ फंजाई में, और गेमेटोफिटिक बॉडी, दोनों में गेमेटोफाइटी है, एन है, दोनों में क्या है? एन बॉडी है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो बेटा देखिएगा कि अपन ने पूरी डिस्कस की अकॉर्डिंग एनसीईआरटी डिवीजन ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा। बिल्कुल। और उसका बिल्कुल दोनों का लाइफ साइकिल पैटर्न वहां पर अपन बनाएंगे, तो आप ब्रायो टेरिडो का लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे, और पहले हम टेरिडो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छे से रहें, मस्त रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। बिल्कुल एंजॉय डाइवर्सिटी, एंजॉय एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।